Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you all? This is your social studies period. And today we are going to discuss further topics of our lesson number 5, rocks and minerals. But before starting our lesson, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma wa my Lord increase my knowledge. Now students, open your book. Open page number 40. In today's class, we are going to discuss about power resource minerals. Okay, students? Power resource minerals में हमारे पास आ जाता है coal, mineral oil and natural gas. Okay, students? Let's start. Coal. Do you know, students? Coal को use किया जाता है as a fuel. फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कोल को इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में, स्टील की प्रोडक्शन में और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में. कोल के प्रोडक्ट्स जैसे कोल टार को भी यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग में और ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में. कोल को घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है. कोल की बिगेस्ट माइन प्रोविंस पंजाब के रीजन मैक्रोवट में कोहिस्तान में है. इसके अलावा प्रोविंस बलूचिस्तान में भी कोल के रिजर्वॉयर्स पाए गए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. ये देखिए आपको यहाँ पे एक पावर प्लांट शो हुआ हुआ है, कोल पावर प्लांट, और ये थर आपको यहाँ पे प्लेस भी गिवन है. ये देखिए, दिस इज़ अ पावर प्लांट ऑफ कोल. नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 41. मिनरल ऑयल. मिनरल ऑयल भी पावर रिसोर्स मिनरल्स में आ जाता है और मिनरल ऑयल की बहुत इम्पोर्टेंस है मॉडर्न एज में. इसको इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में और मशीन्स में भी मिनरल ऑयल यूज़ हो रहा होता है और हमारे घरों में भी मिनरल ऑयल का इस्तेमाल होता है. पाकिस्तान में मिनरल ऑयल की जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं करती. हमें अपनी कंट्री से 10% मिनरल ऑयल मिलता है जो कि हमारी कंट्री प्रोड्यूस करती है. बाकी सारा ऑयल हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज से और इसके लिए हमें स्पेंड करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मिनरल ऑयल की एग्जांपल्स में आ जाती हैं पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा. नेचुरल गैस. नेचुरल गैस भी टाइप है पावर रिसोर्स मिनरल की और पाकिस्तान में नेचुरल गैस के काफ़ी ज़्यादा रिजर्वॉयर्स पाए जाते हैं. हम अपनी कंट्री की 35% एनर्जी नीड को नेचुरल गैस से पूरा करते हैं. नेचुरल गैस ब्रिंग की जाती है लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर और दूसरी सिटीज़ तक पाइपलाइंस के थ्रू. इस गैस को इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है और घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल और इस गैस को फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है. एक फाइन टाइप का फर्टिलाइज़र प्रिपेयर होता है मुल्तान में इस गैस को यूज़ करते हुए. नेचुरल गैस के रिजर्वॉयर्स पाए जाते हैं प्लेसेस सुई, उच, जिन, खैरपुर, मुजरानी, हिंडी, कुंदकोट, सारंग, ढोडक, पीको एंड धुलियन में. ओके स्टूडेंट्स, नो लुक एट दिस पाई चार्ट. आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट नज़र आ रहा है ना बेटा अपनी अपनी बुक्स में. इस पाई चार्ट के थ्रू आपको कंजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस शो की गई है पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में. ये देखिए, हाउस होल्ड्स में नेचुरल गैस 18% यूज़ हो रही होती है. कमर्शियली नेचुरल गैस 3% यूज़ हो रही होती है और सीमेंट की प्रोडक्शन में 2% यूज़ होती है नेचुरल गैस. फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में आपको नज़र आ रहा है ना बेटा 24% नेचुरल गैस यूज़ होती है और पावर प्लांट्स में 34% यूज़ होती है नेचुरल गैस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 19% नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 40 एंड 41. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह.